ओम नमः सुधेभ्यः, ओम नमः सुधेभ्यः, ओम नमः सुधेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयति शासनम। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की जय। बिना भूमिका के आज का यह प्रासंगिक विषय आपके सामने रखने का मन हो रहा है और यह जन्म कल्याण का अवसर है। एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। सन 78 में आचार्य महाराज का चातुर्मास नैनागिरी में संपन्न हुआ और चातुर्मास वर्षा युग के निष्ठापन के पश्चात शीतकाल हेतु कुंडलपुर की ओर विहार हुआ। वहाँ पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत करके वहाँ से विहार प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य महाराज। मदनगंज के संगढ़ जो अजमेर के समीप एक ग्राम है, वहाँ के समाज ने भावना व्यक्त करने के लिए गुरुदेव के चरणों में आए कि महाराज काफ़ी दिन से यह अवसर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था और पुरुषार्थ करके जनालय का निर्माण किया है और प्रतिमा को स्थापित करना है और सूर्य मंत्र आपके कर कमलों से हो, ये भावना लेकर के आए हैं। गुरुदेव ने उनकी भावना को अच्छे ढंग से सुना और प्रसन्न मुद्रा के साथ आशीष भी दिया है, किंतु आशीष देने का अर्थ आप लोग समझते हैं कि बिल्कुल आ ही जाएंगे, होता भी ऐसा ही है। और आशीर्वाद दे करके उन लोगों को भेज दिया और कुछ ही दिन पश्चात विहार कर गए और विहार करते हुए आगरा महावीर जी होकर के जयपुर पहुँचे और वहाँ पर आकस्मिक ऐसा एक योग जुड़ा कि शरीर अस्वस्थ हो गया और अस्वस्थ होकर के ज्वर आ गया। फल स्वरूप 1-1.5 महीने तक पूरा संघ वहीं पर था, छोटा संघ था, मैं भी उसमें था, एलक के रूप में था, मुनि अवस्था के रूप में नहीं। और 1-1.5 महीने अस्वस्थ रहे, किंतु अस्वस्थ होने के पूर्व में लगभग 15 या 20 दिन तक निरंतर देशना उन्होंने दी है समाज के लिए, भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के मौलिक चिंतन के साथ देशना दी। उसके पश्चात शरीर अस्वस्थ हुआ और शरीर ही होता है वैसे देखा जाए अस्वस्थ, आत्मा तो संभव ही नहीं है। और अस्वस्थ हो गए सारे किशनगढ़ के समाज वहाँ पर आई है, उदास मुद्रा में बैठी है। अब तो शायद ही संभव है आचार्य महाराज का किशनगढ़ की ओर विहार होना शायद ही संभव है, इस प्रकार बैठी है, प्रतीक्षारत है। वो बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि बोलेंगे कैसे। धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा और एक दिन जिस मंदिर में
रुके थे उस मंदिर की परिक्रमा उन्होंने देना प्रारंभ कर दी। लगभग 4 बजे की बात है। हम लोगों ने सोचा शायद संभव है, शरीर की कितनी क्षमता है इसको आजमाने के लिए उन्होंने परिक्रमा देना प्रारंभ कर दी हो, ऐसा मन में भाव आया। किंतु 3-4 परिक्रमा दे करके सीधा विहार कर गए वो मदनगंज के सनगढ़ की ओर। सोचो विचार करो, और वहाँ से लगभग जयपुर से 60-65 किलोमीटर हो सकता है लगभग, और उसके बीच में 2 अंतराय भी हो गए। इसके बावजूद भी उनका साहस अपने आप में अनूठा साहस था और पहुंच गए। गर्भ कल्याणक दिन निकल गया उत्तरार्ध भी और पूर्वार्ध भी, और जन्म कल्याण के अवसर पर प्रातःकालीन वेला में प्रवेश कर गए। वहां पर भगवान की वंदना करने के पश्चात मंच पर पहुंच गए, और मंच पर पहुंचते ही सीधा माइक रख लिए और सामने विद्वत वर्ग बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा आचार्य महाराज ने, जनता बैठी है वह सुनती है एक कान से और एक कान से निकाल भी देती है, इसलिए विद्वत वर्ग को ही एकमात्र सामने रख करके उन्हीं के लिए विषय दिया जाए। और जन्म कल्याण के दिन विषय दिया है, अभी भी मुझे वो शब्द ध्यान में आ रहे हैं। वस्तुतः जन्म किसका होता है और कल्याणक किसका मनाया जाता है, यह विषय है। तीर्थंकर जो बनते हैं साथ लेकर के आते हैं, किसको? सम्यक दर्शन को। और सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होते हैं, और देवगति से यदि आते हैं तो अक्षय सम्यक दर्शन को लेकर के आते हैं। रही बात वहां से आते तो हैं, मध्यज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान को साथ में ही लेकर के आते हैं, मात्र मनपरे ज्ञान भर नहीं होता उन्हें, बाकी सब है। और इंद्र के माध्यम से ये कल्याणक मनाया जाता है। कल्याणक मनाना मनाना तो है कि तू कल्याणक किसका होगा, जो जन्मतः मिथ्यात्व को लेकर के पैदा होता है उसके जन्म जयंती मनाने की कोई भी सार्थकता नहीं है। इस प्रकार मुक्त कंठ से उन्होंने समाज के सामने बात रखी और उसका समर्थन पूरा विद्वत वर्ग ने किया। महाराज अभी तक हमने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अन्यत्र हमने को अपने को सुनने को नहीं मिला। ये बिल्कुल आगमिक आपने बात रखी है, बिल्कुल ठीक ही तो है। यहाँ पर स्टेज पर बैठ करके बिना आधार के मैं बोलूं तो कैसा बोलूं और क्यों बोलूं? सामान्य जो जीव है पंचम काल में जिसका जन्म होता है वह सम्यक को साथ लेकर के नहीं आता, और 8 साल अंतर्मूर्त के पश्चात सम्यक को उत्पन्न करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। करे अनिवार्य नहीं, किंतु योग्यता आ जाती है, उस समय भी वह उत्पन्न कर सकता है और अशेष काल में भी कर सकता है। लेकिन मिथ्यात्व के साथ जिसका जन्म हुआ है उसकी जन्म जयंती मनाने की कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। ये सारे सारे शब्द हमने सुने हैं और उन्हीं के शब्दों को हमने दोहराने का प्रयास किया है। आपको रुचे तो ठीक है, ग्रहण कर लो, नहीं है तो हम ज्यादा आग्रह तो करते नहीं। पहले भी कह करके आया हूँ, हमें आग्रह करना नहीं, आगम की बात को रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव का ही उद्देश्य हमेशा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो तीर्थंकर होते हैं उनका कल्याणक स्वाभाविक रूप से
एक असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। इस दृष्टि से जो वैभव सामने आ रहा है वह किसी भी जीवन में, व्यक्ति के जीवन में वह वैभव दिखाई नहीं देता। इतना वैभव उन्हें प्राप्त है और सौधर्मेंद्र इंद्र स्वयं जो है परिवार के साथ आकर के कल्याणक मनाता है। कल्याणक मनाना बिल्कुल हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने क्या मनाया है? अपनी हैसियत से जितना मनाया है मनाया है, ठीक है। सौधर्मेंद्र जो साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से जो सौधर होता है वह जो कल्याणक मनाता है, उस प्रकार का कल्याणक हम न आज वर्तमान में देख सकते हैं न देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में इतना वैभव उन्हें जो प्राप्त है वह ये वैभव उन्होंने कहां से अर्जन किया है, ये ध्यान रखो। श्री अर्थात लक्ष्मी हुआ करती है और वह लक्ष्मी दो प्रकार की हुआ करती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी के रूप में। नमः श्री वर्धमानाय, इस पंक्ति में भी आचार्य समंतवद्र महाराज ने भी यही भाव व्यक्त किए, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार कहा किंतु श्री का प्रयोग किया, श्री वर्धमानाय नमः ऐसा कहा। श्री का अर्थ लक्ष्मी वैभव हुआ करता है और वह बहिरंग लक्ष्मी क्या है, वह समोषर्ण है, अष्ट प्रातिहर है, आदि आदि 34 अक्षय है, ये सारे सारे ये होते चले जाते हैं। अभी तो समोषर्ण की रचना नहीं हुई है किंतु समोषर्ण की रचना कब होगी? जन्म तो हुआ है किंतु जन्म कल्याण का आज दिन है और कल एक ही दिन में उनको वैराग हो जाएगा। और आप लोगों को वैराग कब हो रहा मुझे बताओ? एक दिन हुआ नहीं और कल वो दीक्षित हो जाएंगे और दीक्षित होकर के एक दिन हुआ और दूसरे दिन उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। सोचो विचार करो, शरीर का जन्म होता है और शरीर का मरण भी होता है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयात जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरः द्वितिदुग्ध सिंधोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कः इच्छेत्। इस प्रकार आचार्य मानसिंह स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में यह पंक्ति दी है। हे भगवान, अनिमेश विलोकनीयम्, आप तो बिना पलक झपकाए यानी निरंतर आप अवलोकन के योग्य हो भगवान, और आपको देख करके मेरी दोनों आंखें अन्यत्र और कोई भी दृश्य को देखने के लिए आतुर नहीं है, संतोष का अनुभव कर रही, अन्यत्र उसको संतोष नहीं मिलता है आपको छोड़ करके। स्तोत्र आप लोग भी पढ़ते होंगे, लेकिन बड़ी विचित्र दशा है वर्तमान की, पाश्चात्य संस्कृति की हवा यहाँ आई है और हम और आप समझ रहे हैं। ज्यादा इस विषय में बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं। वर्तमान में इस युग में जो भी संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं और उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं राग के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आप ही लोगों के मुख से हमने सुना है, देखने के लिए तो नहीं आया मैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज क्या हो गया है संसार को, कि दिन भर तो व्यवसाय में व्यस्त हो जाता है और रात में 12 एक दो तीन भी बज जाए तो भी शयन की कोई बात नहीं और निरंतर वह टेलीविजन के माध्यम से अथवा मोबाइल के माध्यम से जो राग का जो दृश्य देखा जा रहा है इसके माध्यम से क्या होगा, क्या होगा? प्रश्न क्यों पूछ रहे हो आप? जो व्यक्ति जहर पिएगा तो
परिणाम क्या निकलेगा इसको पूछने की कोई भी आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वह जहर है। तो इसी प्रकार विषय रूपी विष का पान कर रहा है निरंतर संसारी प्राणी और डूब रहा है और वह कल्याण की बात कब सोच पाएगा? सोचो, विचार करो। पंक्ति तो बोल रहा है, हे भगवान आपको देकर के हमारी आंखें अन्यत्र किसी भी दृश्य को देखने की इच्छा नहीं करती और फिर भी रात भर वही दृश्य देखने में आ रहा है। कहने में हमें संकोच होता है, संकोच करो या कुछ भी करो, देखने में तो आ रहा है, इतना पतन ये ठीक नहीं माना जाता। जो आज से 50-60 साल पूर्व में जो कल्चर था, जो माहौल था, वह माहौल देखने को नहीं मिलेगा। एक भी व्यक्ति उस कल्चर का देखने को हमें नहीं मिलेगा। सारे सारे इसी युग के योग्य जो परिसर है, जो कल्चर है, माहौल है, उसी में वह बहता चला जा रहा है और कल्याण की बात करता है। कल्याण किसका होगा? शरीर का नहीं होगा, ये ध्यान रखो। और वह तीर्थंकरों का जो शरीर है, वह शरीर इतना अद्वितीय है, यानी दूसरा कोई इस प्रकार का शरीर नहीं बनेगा। इतने ही परमाणु थे, इस प्रकार वह भक्तामर में वही मानतुंग आचार्य कहना चाह रहे हैं, उतने ही परमाणु थे जिन परमाणुओं के माध्यम से शरीर की रचना हुई है। सोचो, विचार करो, क्यों ऐसा होता है? ये इच्छा पूर्वक हुआ है क्या? शरीर की रचना जो होती है वह पुण्य के उदय में होती है और साथ से पुण्य का जब उदय आता है तो उसी प्रकार की शरीर की रचना होगी जो कि अन्य किसी भी व्यक्ति की रचना उस प्रकार की नहीं हो सकती। समोषण की रचना करता है कौन? कुबेर इंद्र की आज्ञा से, सोदर्म इंद्र की आज्ञा से वह रचना, और किसी दूसरे के लिए करके दिखा दे वो, ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव ही नहीं। उनका एक पुण्य का उदय है, इसलिए हमने शुरुआत में कहा था ये बहिरंग लक्ष्मी है, और जिसने कर्म का विशिष्ट पुण्य का अर्जन किया है उसी के पल्ले में यह पुण्य जाएगा, दूसरे के पल्ले में नहीं जाएगा। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर देखने में आता है, कर्म देखने में नहीं आते और परिणाम भी देखने में नहीं आते। किंतु विशिष्ट जब भक्ति में डूब जाता है उस समय उस प्रकार के पुण्य का अर्जन कर लेता है और उसके माध्यम से कार्य देखने को मिलता है। वस्तुतः एक न्याय ग्रंथ में भी प्रसंग आता है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा कहा। साधन के माध्यम से साध्य का जो बोध होता है उसका नाम अनुमान कहा है। जैसे अग्नि है, अग्नि सामने दिखाई नहीं दे रही है किंतु साधन देखने में आ रहा है, अर्थात धुआं देखने में आ रहा है। उस धूम्र के माध्यम से अग्नि का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार कर्म का फल देकर के कर्म का अनुमान भी किया जाता है। यह अनुमान का विषय बनता है क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय अथवा केवल ज्ञान का जो विषय बनता है वह तो प्रत्यक्ष विषय माना जाता है कि मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो भी वस्तु की जानकारी होती है वह परोक्ष रूप से अनुमान के माध्यम से हुआ करती है। इसलिए उन्होंने जो परिणाम किए होंगे किस क्वालिटी के किसी को भी ज्ञात नहीं, शायद मैं समझता हूँ उनको भी ज्ञात नहीं होगा मैं इस प्रकार के परिणाम कर रहा हूँ। परिणाम होते चले जाते हैं, भगवान की आराधना की जाती है और उस समय किस क्वालिटी का कर्म बंद हो रहा है, किस प्रकार के फलदान देने की उसके भीतर शक्ति पड़ रही है, यह छद्मस्थ का विषय नहीं बन सकता, किंतु आगम के आधार से श्रद्धान के बल पर
प्रभु की आराधना की जाती है उसके माध्यम से सात से पुण्य का अर्जन होता है, फिर कालांतर में जाकर के वह सारा सारा फल देखने को मिलता है। द्रव्यादि निमित्त वशात, द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता चला जाता है और हम और आप चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आश्चर्य क्यों करते हो? उन्होंने जो साधना की है उस साधना को आपने देखा कहां? पुण्य का अर्जन करने वाला व्यक्ति कभी भी वर्तमान में पुण्य के फल को भोगता नहीं, पुण्य के फल का त्याग करके ही पुण्य का अर्जन किया जाता है, यह सिद्धांत है। हम 5-10 मिनट भी तरीके से प्रभु की आराधना नहीं करते, बीच बीच में घड़ी देखते रहते हैं कि क्या कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, वापिस यहां से वापिस पूजा के बाद हमें ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार घड़ी का प्रयोग करता है। सोचो आकुलता संसारी प्राणी की समाप्त नहीं होती, प्रभु की आराधना करते समय भी आकुलता, स्वाध्याय करते समय भी आकुलता, आहार दे रहे हैं उस समय भी आकुलता। आपका उपयोग एकाग्र है कहां? और बिना उपयोग की एकाग्रता के इस प्रकार के पुण्य का अर्जन खेल थोड़ी है। भवान्तर से अर्जित जो पुण्य एकत्रित होता है तब कहीं जाकर के इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने किया, उसके और पूर्व में कितने भवों में उन्होंने साधना की होगी, किस प्रकार के संकल्प के साथ उन्होंने साधना की होगी, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। और वर्तमान में जो कुछ भी तीर्थंकरों के विषय में भवों का वर्णन मिल रहा है सुनने को वो तो है ही, किंतु इसके अलावा भी और भवांतर का जो कुछ भी पुण्य एकत्रित संचित हुआ है वो सारा सारा समय पा करके वह उदय में आ जाता है। ये बिना इच्छा के किया हुआ ये कार्य ही इस प्रकार के फल को देने वाला होता है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, न आत्मा का मरण होता है, शरीर का जन्म होता है और शरीर ही अवसान को प्राप्त होता है। सौदर्भ इंद्र तांडव नृत्य कर रहा है हजार आंखें बना करके, इसके उपरांत भी वह शरीर तीर्थंकर का जो शरीर है एक दिन वह विलीन होगा। क्यों? आयु कर्म के ऊपर ही निर्धारित है। ये शरीर कब तक बना रहता है? जब तक आयु है। आयु प्राण समाप्त हुआ एक समय के लिए भी वह शरीर रहेगा नहीं और कपूर की भांति वह विलीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्याय। इसलिए वह पंक्ति हमें याद आ रही है, आचार्य महाराज ने किसमें लिखा है, निजानवो शतक में ही लिखा है। हमें बहुत वह शतक प्रिय है, बहुत अच्छे अच्छे भाव उसमें भरे हुए हैं, प्रासंगिक है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि द्रव्य दृष्टि होती है, पर्याय गौण अपने आप में हो जाता है। दो तरह से चिंतन करने के लिए आचार्य महाराज बार बार प्रेरित करते हैं हम लोगों के लिए, और वह पंक्ति आपके सामने है। सत्ता नहीं उपजती, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव भक्ता। सोचो
सत्ता अर्थात अस्तित्व द्रव्य, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, न उसकी उत्पत्ति होती है। यदि उत्पत्ति होती है और विनाश होता है तो पर्याय का ही उत्पाद और पर्याय का ही विनाश हुआ करता है। सत्ता अर्थात जो द्रव्य है, पदार्थ है, वह कभी भी न उत्पन्न हुआ न होगा, न विनाश हुआ न होगा। तो पर्याय किमात्मक है, पर्याय है लहर। पर्याय जो है ना लहर है, और वारिधि समुद्र वह सत्य है, अर्थात सत्ता के रूप में है, वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार गुरुदेव ने कहा है, ऐसा आचार्य महाराज ने पंक्ति में भाव दिए। सोचो विचार कितने पवित्र भाव के साथ उन्होंने लिखा होगा, और लिखते समय उनको कितना आनंद का अनुभव हुआ होगा, हम और आप अनुमान नहीं कर सकते। आचार्य ज्ञान सागर जी की उपस्थिति में इस कृति को उन्होंने लिखा है। हाँ, उस समय 23-24 साल की भी उम्र नहीं होगी, 22 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। एक साल आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे, और उसके पश्चात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में मात्र 11 महीने रहे, और उसके उपरांत जैनेश्वरी दीक्षा उन्होंने अंगीकार की। और उस समय न हिंदी आ रही है, न संस्कृत आ रहा है, न प्राकृत आ रहा है, न और कुछ। इसके उपरांत भी मात्र 9th कक्षा में पास हुए हैं, कक्षा 9th केवल। किंतु ये ध्यान रखो, 9 का अंक है शुभ माना जाता है। वो 90 कक्षा को भी पार कर जाएगा, ये ध्यान रखो। और उस समय उन्होंने इस प्रकार के शतक लिखे, अनुभव करके लिखा है, इसलिए उसका नाम भी शायद उन्होंने निजानुभव शतक इसलिए रखा है। अनुभव करके पश्चात लिखने से उसका अपने आप में महत्व सामने आ जाता है। हर व्यक्ति बोलता है, सिद्धांत ग्रंथों में ये बात आती है, वींद्री से लेकर के सारे सारे वक्तारह ऐसा कहा। एक इंद्री स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये सारे सारे एक इंद्री जीव स्थावर माने जाते हैं। इसके पास रसना नहीं है। रसना कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? द्वींद्री से। इसी द्वींद्री आदय वक्तारह ऐसा एक पंक्ति अपने को पढ़ने को मिली थी। अब सोचो विचार करो, रसना आपको भी मिली है और आचार्य महाराज को भी रसना मिली है, किंतु उस रसना का उपयोग किस ओर वो कर रहे हैं और आप लोग किस ओर कर रहे हैं? सोचो विचार करो। इसलिए सुबह भी हमने शायद बात की होगी, या शक्ति का दुरुपयोग मत करो। ये इंद्रिय संपदा मिली है, दोबारा ये संपदा मिले भरोसा नहीं रखना, क्योंकि ये दुर्लभ चीज है। जो भी इंद्रिय संपदा मिली है, जो ज्ञान मिला है, उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भविष्य जिस प्रकार तीर्थंकरों का रहा, उसी प्रकार आपका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। सकता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपादान सामने है। उपादान को साइड में रख करके हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता के बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता। तो आचार्य स्वयं क्या लिख रहे हैं? सत्ता कभी उपस्थिति नहीं, न उसका विनाश होता है, किंतु विनाश और उत्पादी पर्यायगत परिणति है। इसलिए आज भगवान का जन्म हुआ, ये व्यावहारिक भाषा में कहा जा रहा है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखेंगे, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, तो न आत्मा का उत्पाद हुआ न होगा, ये सिद्धांत है। महाराज फिर इस व्यवहार को लोप कर दें क्या? लोप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है,
किंतु वस्तु तत्व की जो गहराई है उसको बताना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। इसलिए विद्वत वर्ग के सामने उन्होंने कहा कि जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का हो सकता है, होना चाहिए, किंतु सामान्य यदि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म पंचम काल में हुआ है और सम्यक के अभाव में उसका जन्म हुआ है, तो जन्म जयंती आप किसकी मनाना चाह रहे हो? आप मिथ्यात्व की जन्म जयंती मनाना चाहो कि सम्यक्त्व की? बोलो। फिर भी मन नहीं मानता महाराज, मन तो आप ही का है, हमारा थोड़ी, मन आपका मानता कहा? हमने गुरुदेव को कम से कम 3-4 बार नहीं अधिक बार सुना इसी विषय को, इसके उपरांत भी सामने वाले का मन मानता नहीं, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा। और ठीक है भैया, समाज है, उसका जिसका जिसमें इंटरेस्ट रुचि है वो करता चला जाता है, कोई वादा नहीं। वादा क्या, वादा होते हुए भी वो छोड़ने वाला थोड़ी है, रुचि है। इसलिए सुबह भी हमने बात कही थी कि जन्म में आनंद मनाया जाता है, ठीक है, किंतु वह जन्म सार्थक हो तो वह जन्म जयंती मनाने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इसके उपरांत भी पूर्व कोटि तक भी मानो किसी ने अपने जीवन में सम्यक को उत्पन्न नहीं किया है तो उसकी सार्थकता क्या सिद्ध होगी, मुझे बताओ। तो क्या जन्म जयंती मनाना चाहो, क्या मनाना चाहो? इसलिए यह वैभव जो है उस असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जो जीव आया है उसके पीछे यह वैभव लगा हुआ है। और स्वर्गीय देव, असंख्यात देवियां और देव सारे सारे इंद्र सब
हो सकता और नित नए इस प्रकार के पर्याय शरीर मिलते चले जाएंगे और विभिन्न प्रकार के योनियों में उत्पन्न होकर के उसको दुख का अनुभव करना पड़ेगा और बार 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 मरण और जन्म, जन्म और मरण, ये संतति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जन्म कल्याणक मनाने की सार्थकता ये है कि उनका तो जन्म हुआ और अद्वितीय शरीर मिला, इसके उपरांत भी उसके प्रति दृष्टि उनकी कैसी रही है, सोचो विचार करो। आप समझते हैं, झाग झाग समझते हैं, झाग फेन बोलते हैं, झाग बोलते हैं, जैसे देखना हो तो हलवाई की दुकान में चले जाओ और सुबह सुबह जो है ना वह दूध को फेंटता रहता है, ऐसा दोनों ओर से वो झाग उत्पन्न होता रहता है, लगता ऐसा है कि वह ग्लास भरा हुआ है किंतु आधा ग्लास ही दूध से भरा रहता है और आधा ग्लास वो फेन से भरा हुआ रहता है। वो फेन में जिस प्रकार कोई भी सार देखने में नहीं आता, उस फेन में कोई भी सार दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार केले के पेड़ में भी कोई सार दिखाई नहीं देता। फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्यानां दुर्बुद्धे विद्वस्तुतः, ऐसा कहा। हे मूढ़ प्राणी, सोच ले, थोड़ा समझ ले, इस शरीर में सार बिल्कुल नहीं, असार है। उसमें सार फिर भी मिल जाए थोड़े बहुत उस फेन में और रंभा स्तंभे का अर्ध केले के वृक्ष में कुछ सार नजर आ जाए, उसमें भी परत निकालते चले जाओ। केले में तो सार है किंतु केले के स्तंभ अर्थात वृक्ष में कोई सार नहीं, क्योंकि केवल प्याज में जैसे परत निकलते चले जाते हैं ना प्याज, हाँ उसी प्रकार उस केले के पेड़ में से वह छिलके निकलते निकलते चले जाते हैं, अंदर कोई भी गर्भ नहीं है, वो खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं, उसमें फिर भी संभव है प्रतीति में आ जाए सार, किंतु शरीर में कोई भी सार नहीं है। इस प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति ही वैराग्य का अनुभव कर सकता है। इसलिए पर्याय को विषय आलंबन लेकर के हम चिंतन करते हैं, सारा का सारा संसार असार देखने में आता है। जब असारभूत वस्तु है तो उसको साथ लेकर के हम अनादिकाल से क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, ये अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान के कारण ही इस प्रकार इसकी परिणति हो रही है। कहने के उपरांत भी तात्कालिक थोड़ा सा उपयोग के ऊपर असर आता है और उसके उपरांत पुनः गायब इसलिए होता है। जैसे मान लो वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते हैं और तूफान चल रहा है, हवा चारों ओर से चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं, सब स्पंदित हैं और हवा रुक गई, पत्ते शांत हो गए। उसी प्रकार जैसे अभी बीच में बिजली गोल हो गई थी, गोल मतलब चौकर भी होते क्या बिजली, नहीं नहीं गोल का अर्थ मारा बिजली चली गई थी, एक क्षण के लिए बिजली चली गई तो सन्नाटा छा गया था। उसी प्रकार प्रवचन समाप्त हुआ, बस आपका उपयोग फिर जैसा वही घोड़ा वही मैदान ये चालू हो जाता है। ये आज की ये परिपाटी नहीं है, ये अनंतकालीन यह परंपरा चल रही है। इसलिए पर्याय से आकर्षित होता हुआ संसारी प्राणी अपने आप को सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, समझाने का प्रयास भी कर ले वह तात्कालिक हाँ हाँ भर देता, फिर बाद में वही होता है, क्या कर सकते हैं। फिर भी आचार्य कहते हैं होता ऐसा है, अपना भी संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, आज थोड़ी बहुत आंखें खुली हैं इसलिए हम वीतरागता की बात करते हैं, किंतु सामने वाले के लिए वह घड़ी आने के लिए बहुत उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे, पापड़ बेलने का बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, सोचो समझो। इसलिए संयोग से बचो ये कहा गया है और संसारी प्राणी संयोग स्थापित करके आनंद का अनुभव करता, करते कि नहीं आप, बिल्कुल करते हैं महाराज। आज हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्यों क्या बात हो गई, हल्का इसलिए महसूस कर रहा हूँ
कन्या की शादी हो गई, संबंध हो गया, विवाह संबंध, अब निश्चिंतता का अनुभव करना, मतलब एक को संसार में प्रवेश करा करके तुम निश्चिंतता का अनुभव कर रहे हैं, क्या करना चाहो? एक को संसार में फंसा करके आप निराकुलता का अनुभव कर रहे हैं, संभव नहीं। वस्तुतः निराकुल भाव किसको बोलते हैं? जब संसारी प्राणी को प्रभु के समीप आने के उपरांत भी आकुलता नहीं छूटती, तो राग के क्षेत्र में उसकी आकुलता छूट कैसे सकती है? क्योंकि राग आग के समान है, वह झुलस रहा है, इसके उपरांत भी वह वही अच्छा लगता है और दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, ज्यादा अपने पास समय भी नहीं है, द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से चिंतन करते हैं तो दो परिणाम सामने आते हैं कि एक तो भय समाप्त हो जाता है और शरीर का चिंतन करने से, पर्याय का चिंतन करने से विनाशशील है संसार या प्रतीति में आने लगता है। वस्तु तो संसारी प्राणी द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं रखने का कारण ही वह आकर्षित होता चला जाता है और राग उसका बढ़ता ही चला जाता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखकर के 5 मिनट के अंदर पूर्ण कर लो कि एक मुनि महाराज बैठे बैठे नहीं, वह मार्ग से चल रहे हैं और उनकी दृष्टि उस रास्ते के बाजू में उनकी दृष्टि चली जाती है और एक व्यक्ति भी उस दृश्य को देख रहा है। 3 व्यक्ति हैं और तीनों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, वस्तु एक है। गजब हो गया, वस्तु पदार्थ एक ही है किंतु जमीन आसमान को लेकर के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। क्या और कोई दृष्ट को नहीं देखा कि एक सुंदर युवती जिसका अवसान हुआ है और उसका शव रखा गया है स्मशान में और उनकी दृष्टि पड़ जाती है किसकी? एक श्रमण की दृष्टि और वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर शरीर मिला था इसको पुण्य कर्म के उदय में, किंतु इसका उपयोग नहीं कर पाया। यदि अवसान नहीं होता संभव है आर्य का व्रत ले ले योग्यता हो तो, लेकिन नहीं हो पाया। ये विचार चल रहा है, एक चिंतन चल रहा है, मतलब पर्याय की पर्याय को आधार बना करके ही चिंतन कर रहे हैं वह श्रमण मुनि महाराज, किंतु उनकी दृष्टि देखो। और एक व्यक्ति जो कामी है वह सोचता है, यह यदि जीवित अवस्था में मुझे मिल जाए, मिल जाता तो जो अनुभव आनंद लेता कोई दूसरा ले नहीं पाएगा। इस प्रकार वो सोच रहा है, विपरीत ये सोच विचार। और एक श्वान अर्थात कुत्ता है, ये दोनों हट जाए सामने से, मैं इसका भक्षण कर लूं, इस प्रकार उसके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं। वस्तु एक ही है किंतु भिन्न भिन्न कर्म के उदय में भिन्न भिन्न परिणाम हुआ करते हैं। आप सोचो, विचार करो, कभी आपने सोचा पदार्थ एक है किंतु चिंतन की धारा भिन्न भिन्न, पात्र के अनुरूप ही वह पदार्थ चिंतन के लिए एक निमित्त मिल जाता है। उस पदार्थ एकमात्र निमित्त है, उस निमित्त को लेकर के सबके अलग अलग उपादान हैं और अपने उपादान के अनुरूप ही उस वस्तु के विषय में सोच विचार कर रहे हैं। ये वस्तुतः जो कामी और जो कुत्ता है उसका जो सोच विचार है वह बिल्कुल विपरीत है, किंतु श्रमण का जो सोच विचार है वो वैराग्य को लेकर के है,
क्योंकि पुण्य के उदय में ये पर्याय मिली थी और इस पर्याय की सार्थकता इसने नहीं की और बीच में ही अवसान हो गया, क्योंकि आयु कर्म के ऊपर ही सभी संसारी प्राणी का जीवन चलता है। इसलिए जीवन बुलबुले के समान है, इस प्रकार मान करके यदि आप वैराग्य को प्राप्त होंगे तो जन्म कल्याणक मनाने की भी सार्थकता सिद्ध होगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वाम वंदमानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। सभी लोग नौ बार नमोकार का जाप करेंगे।